सो है गाइस आज का ये वीडियो जो है बनाने का एक मकसद है क्योंकि गाइस मैं लास्ट फ्यू डेज से देख रहा हूँ कि एलिगेटर गार्ड का क्रेज बहुत ही ज़्यादा हो गया मेरे चैनल में कमेंट सेक्शन में बहुत एलिगेटर गार्ड को लेकर मतलब आ रहा है कि ऐसा कमेंट की उसका टैंकमेट क्या है एरोवाने के साथ रह सकते हैं कि नहीं आर के साथ रह सकते नहीं मॉस्टर फिश का तो क्रेज़ है ही पर उसके बाद मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ एलिगेटर गार्ड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे भी लोग हैं मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे थे लास्ट फ्यू डेज से कि मैं इसके साथ रख सकता हूँ कि नहीं इसका प्राइस ये जा रहा है ठीक है कि नहीं खरीद लूँ क्या ये टैंक में रखूँगा ले लूँ क्या ऐसा बहुत ही कॉमेंट आ रहा है सो गई आज का वीडियो में बताऊँगा टॉप टेन ऐसा टैंकमेट्स जिसके साथ ही आपको एलिगेटर गार्ड को रखना है उसके बाहर कोई भी मॉन्स्टर फिश के साथ नहीं रखना है क्योंकि एलिगेटर गार्ड और मच मोर डेंजरस सो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर भी नहीं होते सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सो गाइस आज मैं टॉप टे, टेन लिस्ट बताऊंगा तो टॉप टेन लिस्ट में नंबर वन में जो है वो है रेड टेल कैटफिश रेड टेल कैटफिश के साथ क्यों रख सकते हैं क्योंकि रेड टेल कैटफिश जो कैटफिश जो ग्रुप का फिशेस है ना बहुत ही साइज़ में बड़ा हो जाता है इसीलिए अगर एलिगेटर गार्ड का कॉम्पिटिशन में रखें तो लगभग सेम जाता है थोड़ा छोटा में भी होगा पर लगभग सेम होता है इसलिए आर के आर के साथ रख सकते हैं पर एक चीज़ नोटिस करने वाला बात है आप आर और एलिगेटर गार्ड सेम टाइम पे सेम साइज़ पे खरीदे ऐसा नहीं एलिगेटर गार्ड बड़ा और आर छोटा या फिर आर बहुत ज़्यादा बड़ा और एलिगेटर गार्ड छोटा है ऐसा नहीं क्योंकि जो है ऑपोजिट जो है फिश है उसे खा लेगा इसीलिए आपको सेम साइज़ से बड़ा करना है और ये भी देखना है कि दोनों सेम साइज़ में ही बड़ा हो रहा है ऐसा आपको डाइट देना होगा सो गाइस हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर टू में जो है वो है फिर से कैटफिश जो कि टाइगर सोवलनोस कैटफिश टाइगर सुबेल नोस कैटफिश भी लगभग आर का समान साइज़ ही बोल सकते हैं लगभग वैसा ही जाता है मे भी थोड़ा छोटा होगा पर कभी कभी उतना साइज भी चला जाता है टाइगर सुबल नोस में कैटफिश है ये भी रहेगा एलिगेटर गार के साथ पर फिर से वही पॉइंट आता है कि आपको सेम साइज़ में लाना है ना कि ये बड़ा वो छोटा ये छोटा वो बड़ा ऐसा साइज़ में नहीं लाना है एकदम सेम साइज़ में आपको लाना होगा हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर थ्री में जो है वो है नन अदर देन एक रिवर मॉन्स्टर जो कि है एरापाइमा एरापाइमा एलिगेटर घाट के साथ एकदम अच्छा से आराम से रह जाएगा इसको लेके कोई टेंशन करने का दरकार नहीं है आप लोग सेम साइज़ ही मैक्सिमम ला सकते देखिए एरापाइमा उतना छोटा तो मिलता नहीं है एलिगेटर घाट तब भी आ, तीन साढ़े तीन इंच में मिल जाता है पर एरापाइमा मिनिमम ऑफ फाइव टू सिक्स इंच से स्टार्टिंग होता है मार्केट में तो आप लोग क्या कीजिएगा आप लोग एरापाइमा और एलिगेटर सेम साइज़ में लाइए मतलब एलिगेटर भी पाँच छः इंच लाइए और एरापाइमा भी वैसा ही लाइए एरापाइमा जो है लगभग एलिगेटर गार का समान साइज में चला जाता है एलिगेटर गार टेन फीट होता है वो लगभग नाइन फीट एट पॉइंट फाइव एट फीट ऐसा चल जाता है या फिर टेन फीट भी कभी कभी चल जाता है वो मतलब जगह के ऊपर डिपेंड करता है फीडिंग के डाइट के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर फोर में जो है वो है स्टिंगरे स्टिंगरे कोई भी स्टिंगरे हो सकता है ब्लैक डायमंड मोटर और हाइब्रिड अब स्टिंगरे देखिए लगभग उसका डायमीटर जब फाइव टू सिक्स इंच या सेवन इंच हो जाता है तब उसका सेलिंग स्टार्ट होता है और उसका जो लेंथ है मतलब उसका जो हाइट है बॉडी का वो लगभग सिक्स इंच से स्टार्टिंग होता है तब उसका सेलिंग शुरू होता है तो आप भी एलिगेटर को सिक्स इंच में डा सकते हैं इसका देखिए उतना जमेला नहीं है ऐसा नहीं कि स्टिंग आपका एलिगेटर को उठा के खा लेगा ऐसा नहीं होगा तो तब पर भी सेम साइज में लाना ही ठीक होगा हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर फाइव में जो है बहुत ही कॉमन एक मछली जो कि प्ले को अब देखिए इंडियन प्लेको तो रिसेंटली बैंड हो गया क्योंकि लोग क्या करते हैं उसे मतलब बड़ा करके रिवर में जा छोड़ देते हैं इकोसिस्टम को पूरा डैमेज कर देते हैं तो इंडियन प्लेको छोड़कर अभी जो और भी प्लेको को एल सीरीज में होता है गोल्डन नगेट वगैरह इम्पोर्टेड जो होता है बोल सकते हैं वो सब भी आप लोग रख सकते हैं क्योंकि प्लेको काम का भी है बड़ा भी होता है साइज में और एलिकेटर का उसे कुछ भी नहीं करेगा हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर सिक्स में जो है बहुत ही एक एग्रेसिव एंड बुली टाइप का फिश जो की है जाइंट गोडमी जाइंट गोडामी मैं लास्ट वीडियो में बताया था मैक्सिमम फिश के साथ नहीं रहते एरोवाना को भी मार देता है तब पर भी मैं ये वीडियो में आज बता रहा हूँ कि एलिगेटर गार के साथ ये रह सकता है 90 परसेंट चांस है रह जाएगा पर वही सेम बात सेम साइज में लाना होगा आप लोग एक बार रख के देखिए 90 परसेंट चांस वो लोग रह जाएगा आराम से देखिए एलिगेटर गार का सामान तो बड़ा नहीं होगा गोड गोडा पर भी छोटा सा अगर एक साथ रखेंगे तो एलिगेटर गार आई डोंट थिंक सो कुछ उसे करेगा हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर सेवन में जो है परुन शार्क जो कि अभी एकदम ही बोल सकते हैं टेन परसेंट मिल जाए मतलब ये इंडिया में मतलब बहुत ही कम गया है क्या हुआ विश्व क्या पता तो परुन शार्क भी लगभग फाइव टू सिक्स फीट तक चला जाता है अगर ठीक से रखा जाए तो चला जाता है और गाइस ये भी एलिगेटर के साथ रह जाएगा आराम से क्योंकि मॉन्स्टर कैटेगरी में आता है फिर वही सेम साइज़ में लाना होगा हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर एट में जो है वो है पाकू पाकू में बहुत तीन टाइप का पाकू होता है तीन टाइप में कोई भी पाकू रख सकते हैं क्योंकि पाकू भी बहुत बड़ा होता है और पाकू का भी खुद का टीथ होता है मतलब एलिगेटर का तो होता है एलिगेटर का शार्प टीथ है पाकू का जो है फ्लैट टीथ है पर फिर भी ये दोनों बहुत पावरफुल फिश होता है और एक दूसरे को कुछ करेगा नहीं हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर नाइन में जो है वो है ऑस्कर फिश ऑस्कर फिश देखिए अगर बोलूँ तो मतलब नाइन्टी फाइव परसेंट मास्टर फिश के साथ आराम से एडजस्ट करके रह लेता है नाइन्टी फाइव परसेंट के साथ छोटा से रखिए बड़ा से रखिए एडजस्ट कर लेता है देखिए मेरा जो ऑस्कर है मेरा आर के साथ पहले पहले मतलब वो डरता था मैं जब लाया था पच्चीस तीस रुपये से लाया था आप लोग को पहले भी बोला बहुत छोटा साइज में लाया था अभी तो भाई आर टी के साइज हो पूरा पूरा जो है रेस लगा रहा है आरटीसी के साथ उसका साइज कंपैरिजन में लगभग मेरा आरटीसी और ऑस्कर एकदम बोल सकते हैं सेम साइज़ में मे बी ऑस्कर थोड़ा छोटा होगा पर एकदम सेम साइज़ में आ गया इतना अच्छा सा रेस लगा रहा है और आरटीसी का कुछ करता भी नहीं है आराम से रहता है इवन दो ऑस्कर है मेरे पास छोटा ऑस्कर भी है क्या वो भी बराबर है और कुछ करता भी नहीं है को आराम से रह लेता है इवन मेरा जब एलिगेटर गार्ड था मेरा जब एरोना था उसके साथ भी रह लिया था आराम से जो गाइस हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर टेन में जो है वो है पीकॉक काक बेस आप बोलेंगे पीकॉक बैस क्या रहेगा रियली देखिए इसका भी चांस है जाइन गोरा में जैसा कि नाइन्टी परसेंट रहेगा टेन परसेंट नहीं रहेगा क्यों क्योंकि पीकॉक बैस देखिए एलिगेटर जितना उतना तो बड़ा नहीं होता है पहला बात और ये जो है मे भी नहीं रह सकते पर आप लोग को रख के देखना होगा एकदम छोटा सा सेम साइज से मे बी एलिगेटर गार्ड इसे, गार इसे अटैक कर सकता है देखिए अगर एक सीधा बात बोलूँ एलिगेटर गार्ड आप लोग अगर रख रहे आप लोग का पास बहुत पैसा है, एक अलग पौंड बना के पूरा एलिगेटर गार्ड का पौंड बनाइए क्योंकि एलिगेटर गार्ड का टैग मेटा खुद पौंड या फिर खुद एक्म ये एक सिंपल मैं लॉजिक लगा रहा हूँ फिर भी अगर कोई फिश रखना चाहते तो इन दैट केस मैं जो आज लिस्ट बोला ये सब फिर रख सकते हैं ये जो एक्सेक्शनल कुछ है जैसे जाइन गोरामी या फिर पीकॉक बैस ऑस्कर भी देखो उतना बड़ा नहीं होता पर मैं बहुत केस में देखा मेरा भी तो रह लिया था और बहुत केस में भी देखो ऑस्कर रह लेता है एलिगेटर के साथ पर उन सार्क भी रह लेता है पर पाकू में भी डिस्टर्ब हो सकता है ये आप लोग को देखना होगा क्योंकि एलिगेटर का कोई भरोसा नहीं है कब जब उसका मन चाहे अटैक कर देता है इसलिए आपको देख के रखना होगा एलिगेटर हो सके तो आप लोग को ही अटैक कर दे अगर मतलब उसके पास जाएंगे इसलिए थोड़ा आप लोग को देख के रख रखना होगा और कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं है एलिगेटर गार्ड भी अच्छा ही होता है मेरे को भी पसंद है मेरा वाला बेच दिया क्योंकि मैं जब तक कॉर्ड नहीं बनाता मैं एलिगेटर रखना नहीं चाहता क्योंकि उसको मिनिमम ऑफ उस टेन फीट आ, जो पॉन्ड है पॉन्ड साइज मिनिमम टेन फीट होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ग्रो करता है एलिगेटर और गाइस आप लोग बोलेंगे इसके बाद कि टॉप टेन लिस्ट में एरोवाना क्यों नहीं है बहुत कोई लास्ट वीडियो से मेरे को कमेंट किया जा रहा था एरोवाना रख सकता हो कि नहीं बहुत बार कमेंट किया है आज मैं उसका आंसर देता हूँ सिंपल आंसर है नहीं क्योंकि बहुत केस मैंने देखा हो एलिगेटर के साथ रह लेगा एरोवाना एकदम छोटा सा बड़ा हुआ जब वो एलिगेटर बड़ा हो जाएगा एरोवाना से सिंपली एरोवाना को मार देगा नाइन्टी चांस वो मार देगा दस छोड़ देगा मैं बहुत बहुत बार ये केस सुना हो बहुत सारा कमेंट देखो मेरा जो आ आर... मतलब एलिगेटर कार है वो लगभग फोर फुट है और मेरा जो एरोवाना है वो थ्री फुट है पर एलिगेटर उसे मार दिया अचानक से कुछ हुआ भी नहीं मार दिया ऐसा बहुत बार हुआ है इसलिए बेटर नॉट टू कीप एरोना एनी टाइप ऑफ एरोवाना विद एलिगेटर गार एकदम ही आंसर नो है एलिगेटर रखना चाहते हैं तो सिंपली एक अलग से टैंक कीजिए और आज जो फिश बोला हो सके तो इसे रखिए थोड़ा मे भी कुछ कुछ फिश कॉस्टली होता है पर ट्राई कीजिए इन लोग को रखने के या फिर एक काम कीजिए एलिगेटर को अकेला रखिए और अगर एलिगेटर एकदम ही नहीं पालना चाहते इन दैट केस आप लोग फ्लोरिडा गार रख सकते हैं। फ्लोरिडा गार एरोना के साथ भी रहेगा पाकू के साथ भी रहेगा ऑस्कर के साथ भी रहेगा किसी को कुछ नहीं करेगा पर एलिगेटर गार करेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक फिश के साथ आपको नहीं रखना है थोड़ा देख के रखना होगा सो गाइस करता तो आज के वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा एलिगेटर गार्ड के बारे में सिंपली बोलू एलिगेटर गार्ड बहुत ही एक डेंजरस टाइप का फिश होता है बुली तो नहीं बोलूंगा डायरेक्ट एकदम अटैक कर देता है और उसका जो दांत इतना शार्प होता है ना अगर अटैक करते डायरेक्ट मेरा जो गोल्डन एलिगेटर था मैं एकदम सच बोल रहा हूँ मैं मतलब तब छोटा था मेरा एलिगेटर तो मैं उतना अच्छा से पता नहीं था उसे छोड़ देता मैं सोचा एलिगे खाएगा तो खा ले और एलिगेटर क्या किया मैं जब लाइट ऑफ करके उस रूम से चला गया एलिगेटर कार उसका मुंडी पकड़ लिया और इतना ही दांत उसका शार्प होता है ना मेरा गोल्डन एलिगेटर का पूरा हेड में छेदा हो गया पर उसे मैं बचा लिया था ऐसा नहीं कि वो मर गया उसे मैं बचा लिया था एक डिफरेंट टैंक में कैसे भी हूँ मतलब एलिगेटर के मुंह से जैसे छुराए ना आप लोग देखें देखेंगे तो आप लोग मतलब ऐसा हालत होगा मेरे को ही कैसा लग रहा था मतलब ऐसे पकड़ लिया है पूरा गोल्डन एलगीटर जो है तरा पड़ा था उसका मुंह में तो खैर मैं उसे छुड़ा भी लिया था सो गाइस यही एक बेसिकली एक स्टोरी शेयर किया तो आप लोग अब देखिए एलिगेटर अगर रख रहे तो थोड़ा देख के रखना होगा सो so गाइस ये था आज का अच्छा वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल पर भी ना होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ऐसा और वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखने के लिए तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो